छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन सर आपकी हार ने ज्यादा चौंकाया है। लोग कहते हैं कि भीतरघात हुआ है, क्या आपको भी लगता है कि आपके साथ सेबोगेट हुआ है? ये सब तो होता है राजनीति में, और ये चुनाव लड़ने के पहले आदमी को मालूम रहता है कि ये सब होगा, वो कारण नहीं हो सकता। मुझे ये सब जानते हुए भी सक्षम होना चाहिए था लोगों का विश्वास जीतने के लिए। 94 वोट से हारा, ठीक है, संख्या लगती कम है, लेकिन एक वोट से भी हार तो हार। शहरी क्षेत्र में खास करके करीब 8,500 वोट पीछे हो गए, तो ये एक बड़ा कारण रहा। मैं जिस शहर में रहता हूँ, जहाँ का मैं नगर पालिका का अध्यक्ष भी था, लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। बाबा में अगर कुछ अच्छाई होगी तो उसको भी जानते हैं, कमी है उसको भी जानते हैं, लेके चल रहे थे, इस बार साथ नहीं दिया। विमल है मेरे सहयोगी, विमल बताइए बाबा से क्या पूछना चाहते हैं आप। बाबा मेरा सवाल यह है कि दोनों राज्यों में हार के बाद में कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है दोनों राज्यों में, लेकिन जब हम खबरें देखते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। जीतू पटवारी हर जगह जा रहे हैं, जो सरकार में पार्टी है उस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ऐसी खबरें नहीं आ रही। वहाँ ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस एकदम से हताश हो गई है? सदमे में है क्या कांग्रेस अभी? कांग्रेस को जरूर, जिसको झटका कहते हैं, तो निश्चित रूप से लगा होगा, क्योंकि हम लोग को भी विश्वास भी था, आत्मविश्वास भी था कि जीतेंगे। मुझे भी विश्वास था मैं खुद भी जीतूंगा और सरकार भी बनेगी। मैं 75 कभी नहीं मानता था, ये भी सच्चाई है, लेकिन हाँ 52 से ऊपर, 52 से 60 कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो मन में था।